नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का धन्यवाद, तरुण चुग ने किया। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष, नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, अवैध शेष प्रसाद का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी का धन्यवाद करेंगे तरुण चुग। भारत और पाकिस्तान ने श्री कस्तूर साहिब कॉरिडोर पर अगले 5 साल के लिए समझौते को नवनिर्मित किया। इसी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण और जमिया मिलिया इस्लामी दो गुटों में हुए मारपीट को लेकर दिल्ली सरकार पर तंजा कसा। ISS से बात करते हुए उन्हें तरुण चुग ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले करादातपुर कॉरिडोर खोलने और फिर लगातार 7 पंजाबी परिवारों के लिए इसे खोलने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही इजाद मामले में शाही इगान कमेटी को एक बार बड़ा झटका लगा। इजाद बाद में हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद शाही इदाद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें आदेश की कॉपी मिलेंगी वह सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे। तनवीर अहमद ने कहा है कि इदाद उच्च न्यायालय में एक सुनवाई कर रही है जिससे बहस में 16 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 27 का 70 शीघ्रह के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर पर संपा के मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई। 27 का सत्ताधिकारी पोस्टर पर संत कबीर नगर के संपा नेता जयप्रकाश द्वारा लगाया गया था। संपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएगी। वक्त हो शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच